अमरीका विच वसदे पंजाबी NRI भरावो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UNO दे विच अपनी स्पीच देण वास्ते अमरीका गए हुए आ। 25 तारीख नूं उन्होंने अपनी स्पीच UNO च देनी है, जिथे वो मनुखी अधिकारां दी भी गल करनगे। मेरी तुहानूं सारयां नूं अपील है भी इत्थे हुण तक 700 दे करीब किसान शहीद हो चुके ने, जिन्होंने सर्दी भी चली, गर्मी भी चली, बरसात भी चली, सरकार ने सवाए दबके मारन तो उन्होंने कोई मनुखी अधिकारां दे उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखिया। इस करके तुहानूं सारयां नूं अपील है भी आपो अपने काम छड के उस दिन UNO दे दफ्तर के सामने न्यूयॉर्क च अपनी गड्डियां ते किसानी झंडे ला के और अपने हत्थां च काले झंडे फड़ के नो फूड नो फार्मर और किसानी मंगां दी रिपील ब्लैक लॉस इदां दे मोटो लै के उत्थे खड़ो और उन्हां दा विरोध दर्ज कराओ, ताकि दुनिया के बाकी देशों के जिहड़े डिप्लोमैट ने आ रहे ने, प्रधानमंत्री आ रहे ने, राष्ट्रपति आ रहे ने, उन्हां नूं सब नूं इस अंदोलन बारे पता लग सके। अमरीका विच वसदे पंजाबी NRI भरावो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UNO दे विच अपनी स्पीच देण वास्ते अमरीका गए हुए आ। 25 तारीख नूं उन्होंने अपनी स्पीच UNO च देनी है, जिथे वो मनुखी अधिकारां दी भी गल करनगे। मेरी तुहानूं सारयां नूं अपील है भी इत्थे हुण तक 700 दे करीब किसान शहीद हो चुके ने, जिन्होंने सर्दी भी चली, गर्मी भी चली, बरसात भी चली, सरकार ने सवाए दबके मारन तो उन्होंने कोई मनुखी अधिकारां दे उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखिया। इस करके तुहानूं सारयां नूं अपील है भी आपो अपने काम छड के उस दिन UNO दे दफ्तर के सामने न्यूयॉर्क च अपनी गड्डियां ते किसानी झंडे ला के और अपने हत्थां च काले झंडे फड़ के नो फूड नो फार्मर और किसानी मंगां दी रिपील ब्लैक लॉस इदां दे मोटो लै के उत्थे खड़ो और उन्हां दा विरोध दर्ज कराओ, ताकि दुनिया के बाकी देशों के जिहड़े डिप्लोमैट ने आ रहे ने, प्रधानमंत्री आ रहे ने, राष्ट्रपति आ रहे ने, उन्हां नूं सब नूं इस अंदोलन बारे पता लग सके।